अनेक रंगों से परिपूर्ण देश भारत, पतंगबाजी का हुनर और भारतीयों में पतंगबाजी की दिलचस्पी विश्व भर में किसी से छिपी नहीं है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान या फिर भारत आए विदेशी मेहमान, हर कोई यहाँ की पतंगों और पतंगबाजों के इस हुनर का कायल हो चुका है। भारत में पतंगे और पतंगबाजी विशेष रूप से लोकप्रिय है। खासकर आगामी 14 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्योहार, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं, इन पतंगों की वजह से ही लोगों में विशेष प्रिय है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग रूपों और नामों से जानते हैं, लेकिन जो एक चीज इन्हें एक बनाती है वो है पतंगबाजी की परंपरा। पतंगबाजी को दिन ब दिन मिलती लोकप्रियता का सबसे सकारात्मक प्रभाव दिखता है गुजरात में, जहां पतंगों के लिए लोगों का जोश देखते ही बनता है। पतंगबाजी को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने में वाइब्रेंट गुजरात का अहम योगदान रहा है। यहां वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से होने वाले इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की वजह से न केवल विश्व स्तर पर पतंगों की पहुँच बनी है, बल्कि इसकी वजह से पतंग बनाने वाले कारीगरों को बड़े स्तर पर काफी लाभ हुआ है। अहमदाबाद के इन कारीगरों में अच्छी पतंगे बनाने का गजब का हुनर है। पहले तो केवल कुछ ही व्यापारी इनके पास आकर इनसे पतंग खरीद कर बाहर बेचते थे, लेकिन जब से काइट फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से इन कारीगरों के पास विदेशों से पतंग बनाने के ऑर्डर आते हैं, जिसकी वजह से पूरे साल इनके पास काम रहता है। मैं लगभग, मेरी उम्र है 60 वर्ष की उम्र है, और मैं लगभग 49 साल से मैं पतंग का मेरे वालिद साहब के साथ करता हूँ। जब यहाँ गुजरात के अंदर दो पतंग वाले थे, एक नबी बहादुर थे और एक उनके ससुरा थे, और उनके ससुरा के साथ मेरे वालिद साहब मामू लगते थे। जब से हम ये पतंग बनाते हैं और हमारे वालिद साहब का, तब मैं धंधा संभाल रहा हूँ, और पतंग का धंधा बेहतरीन है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज हमारे गुजरात को जो फेस्टिवल बनता है जो रिवर फंड के अंदर, उसके बाद से ऐसा लगा इंटरनेशनल के ऊपर, भाई गुजरात के अंदर भी पतंग बनती है और अच्छी से अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती। अब उसके हो जाने, फेस्टिवल लगने से हमारे लोगों की पहचान होने लगी कि भाई गुजरात में भी लोग पतंग बनाने वाले हैं, और फेस्टिवल से यह होता है कि इंटरनेशनल पर माल जाने लगता है, और अमुक ग्राहक फ़ोन भी आते हैं कि भाई ये माल तुम्हारे पास है, ये टाइप का माल है, तो हम बोलते हैं भाई आप बोलो तो हम ऑर्डर दे के बना देंगे आपको, बहुत सा माल तैयार हो तो भेज दे देंगे। दूसरी बात ये है कि आज के दौर के अंदर ऐसा है कि महंगी होने से, और जो महंगी पतंग हो रही है उसका दो कारण है। एक कारण ये कि जो मटेरियल पर भाव बढ़ जाता है तो पतंग महंगी हो जाती है, ग्राहक उसकी कटौती कर देता है कि भाई 100 के बदले 50 की ले लो, 500 के बदले 250 की ले लो, ये कटौती होती है। खास करके जब पहले के ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल नहीं था जी, तब किस तरह से आप, आपका काम चल रहा था, और अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका गुजरात का काइट फेस्टिवल आपकी काइट का इम्पोर्टेंट बढ़ा है, तो क्या मानते हो? ये था कि पहले जो गुजरात के अंदर अमुक ही आदमी लेने वाले थे, गुजरात के अंदर नड़ियाद वड़ियाद उस जमाने में था नहीं, नड़ियाद के लोग यहाँ आते थे माल थैली लेके, ना माल लेके यहाँ अहमदाबाद से जाते थे, और गुजरात में कुछ ऐसे व्यापारी थे गुजराती भाई हमारे, जैसे एक नरेश भाई हैं, एक शैलेश भाई हैं, एक अल्लाह ने की दे गोर्धन हैं, ऐसे लोग कुछ भाई थे यहाँ नीची रोड के ऊपर और कालूपुर टावर के पास, तो वो लोग उस जमाने के अंदर हमारे से माल लेते थे, और आज भी बहुत से माल लेते हैं। नड़ियाद उस जमाने में था नहीं, ना कोई अपने खम्भात था, सिर्फ अहमदाबाद के अंदर जमालपुर में पतंग बनती थी, और पतंग बना के वो लोग उनको देते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि आज उनको लोग नहीं देते। फेस्टिवल भराने से क्या होता है कि पब्लिक को जान हुई तो पब्लिक खुद डायरेक्ट उसकी दुकान पे आती है और खुद लेती, तो हमको दो पैसे का प्रॉफिट मिलता है। भारत के छोटे छोटे गांवों और शहरों से शुरू हुआ पतंगबाजी का ये लोकल शौक आज व्यापार के रूप में विदेशों में पहुँच कर भारत के रोजगार को ग्लोबल स्तर पर ले जा चुका है।